स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 13 का MCQs है और आज की क्लास में हम इसे करेंगे। इस क्वेश्चन इज प्रूव्ड विथ फोर चॉइसेस। सारे क्वेश्चन में फोर चॉइस दी हुई हैं। आउट ऑफ दिस ओनली वन इज करेक्ट, उनमें से एक करेक्ट है। चूज द करेक्ट वन, हमें करेक्ट वन को चूज करना है। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर वन, स्टैंडर्ड यूनिट यूज टू मेजर लार्ज क्वान्टिटी ऑफ लिक्विड इज। जो स्टैंडर्ड यूनिट है, जो लार्ज क्वांटिटी को मेज़र की जाती है, उसको क्या कहते हैं, हमें पता लगाना है। केजी, ये तो केजी भी नहीं है, मीटर भी नहीं है, लीटर। तो लिक्विड के लिए जो है वो लीटर यूज़ की जाती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज लीटर। स्टैंडर्ड यूनिट यूज टू मेज़र स्मॉलर क्वांटिटी टू लिक्विड इज। तो लिक्विड को मापने के लिए स्मॉलर क्वांटिटी जो होती है उसको उसके लिए क्या यूनिट यूज़ किया जाता है, मिलीलीटर। यस, इट इज़ द करेक्ट आंसर। सेंटीमीटर भी नहीं है, ग्राम भी नहीं है, किलोग्राम भी नहीं है। देयर इज डैश ml इन 1 लीटर। अब 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो A1 ml में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो हमें ये पता लगाना है, 500 भी नहीं है, 400 भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज 1000। सो वी राइट हियर 1000। देयर आर डैश ml इन अ हाफ लीटर। तो कितने ml होते हैं हाफ लीटर, हाफ लीटर कितने को कहते हैं, 500, यानी 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर है, तो 1000 का आधा हो जाएगा 500 ml। ठीक है, तो ये इस चीज़ का हमें पता लगाना है। 200, 500, करेक्ट ऑप्शन हमारा 500 है। 300, 400 भी नहीं है, तो 500 हो गया। द क्वांटिटी ऑफ केरोसिन ऑयल इन 2 बॉटल्स इज 2 लीटर 300 ml। क्वांटिटी जो केरोसिन ऑयल की है 2 बोतल में, इतनी है, 2 लीटर 300 ml। इफ़ द क्वांटिटी ऑफ केरोसिन ऑयल इज 1 बोतल इज 1 लीटर 800 ml, देन द क्वांटिटी ऑफ केरोसिन ऑयल इन अदर बोटल इज। तो देखिए, इसमें सिर्फ हमें करना क्या है, जो लीटर है 2 लीटर 300, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 लीटर 800 ml, इसको मैं कहीं और कर देती हूँ, यहाँ पे ना करके। आपको कॉपी में करके बताती हूँ। देखिए, इसको सॉल्व करेंगे, लीटर और एम लीटर है, 2 लीटर और 300 ml, और 2 बोटल्स में आते हैं और एक का इन्होंने बताया हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। 0 से 0 को माइनस किया, 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा। 3 से 8 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से बोरो कर लेते हैं, 13 हो गया। 13 से 8 को किया माइनस, 5 आया। तो जब 2 ने इसको दे दिया था, तो यहाँ पे इसके पास 1 बचा, 1 से 1 माइनस किया, 0। ठीक है, तो 500 ml जो है दूसरी बोतल में आएगा। ठीक है, तो इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं। 2 लीटर, 1 लीटर 500 ml, 1 लीटर, तो देखो ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा। ठीक है, तो 500 ml जो है हमारा आंसर आ जाएगा। अब आता है, देयर आर डैश ml इन 1/4 ऑफ 1 लीटर। तो 1/4 यानी 4th पार्ट हमें 1 लीटर का निकालना है। तो 1000 ml होता है, तो इसका 4th पार्ट क्या होगा। ठीक है, तो हाफ पार्ट 500 है, तो 500 का भी हाफ कर देंगे, 250 आ गया। तो हमें 250 जो है ml का पता लगाना है। ठीक है, 1 लीटर तो 1000 होता है, इसका 4th जो है 250 हो जाएगा। तो ये भी नहीं है, 500, 350 नहीं है, 150 नहीं है, 250 करेक्ट ऑप्शन है। हम यहाँ पे 250 लिख देंगे। ठीक है, इफ द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इन 2 cold drinks bottle इज सेम एंड क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इन 1 cold drinks bottle इज 800 ml। सेम वैसे ही रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो अगर एक बोतल में 800 ml है, तो
देन क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इन अनदर कोल्ड ड्रिंक्स। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, नीचे यहाँ पे स्पेस है, मैं कर दे रही हूँ। देखिए क्वांटिटी कितनी बताइए, वन, इफ द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड टू कोल्ड ड्रिंक बोटल इज सेम एंड क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इन वन कोल्ड ड्रिंक्स बोटल इज 800 ml, यानी सेम है, दोनों में सेम है, ठीक है। तो एक की बता दी, तो एक की क्या बताई 800 ml, तो दूसरे की देन द क्वांटिटी ऑफ अदर लिक्विड अनदर कोल्ड ड्रिंक बोटल इज, तो इसकी बता दी तो सेम वही क्वांटिटी तो दूसरे की भी होगी। तो यहाँ पे देखिए ये 800 ml है, यही करेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सेम है दोनों की क्वांटिटी, तो जब एक में इतना है तो दूसरे का भी वही होगा, ठीक है। तो जब एक बोतल का इतना आता है कोल्ड ड्रिंक 800 ml आती है, तो दूसरे की भी क्वांटिटी उतनी ही होगी। सो स्टूडेंट कंप्लीट दिस वर्क एंड प्रैक्टिस दिस वर्क ऑल्सो। थैंक यू।